हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं आज किस विषय में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक नई बीमारी की, जो कि हर उस स्टूडेंट को जो कोई ना कोई पेपर देकर आता है लग जाती है, और ये उपज होती है उस स्टूडेंट में ज़्यादातर जो कि अपने आप पर विश्वास नहीं रखता। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ की जो बीमारी है आजकल हर स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से लग गई है कि वह अब अपना सब कुछ छोड़कर, यानी कि सारी स्टडी, सारी पढ़ाई का शेड्यूल छोड़कर केवल और केवल कट ऑफ देखने में लग जाता है। मैंने इस चीज़ को एहसास किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर आप कितना नुकसान इस कट ऑफ की बीमारी से कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ की इस बीमारी के बारे में। जब भी कोई स्टूडेंट या फिर आप भी यदि पेपर दे के आते हैं प्रीलिम्स का, ठीक है, या स्टेज वन का, तो आप कई सारे स्टूडेंट को देखेंगे जो दिन भर केवल और केवल कट ऑफ की चर्चा करते हैं। दोस्तों, कट ऑफ की चर्चा ही नहीं करते ये स्टूडेंट जो है यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर जाकर, कई यूट्यूब्स के जो लाइव सेशन होते हैं उन पर जाकर केवल घंटों, कई घंटे जो है अपने बर्बाद करते हैं। किस चीज़ के लिए? कट ऑफ देखने के लिए। दोस्तों, कट ऑफ देखने के बाद केवल यही नहीं है कि एक बार कट ऑफ देख लिया और उस कट ऑफ को इन्होंने मान लिया और अपनी स्टडी पूरी करने लगे, नहीं। अब समस्या क्या आती है, ये जो कट ऑफ कौन देखता है? सबसे पहले समझिए, यदि आप के नंबर उतने नहीं आए जितना आप सोच रहे हैं, आपके दोस्त के नंबर आए हैं या जितना आप सोच रहे हैं कि नंबर आने चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बार बार कट ऑफ देखते हैं। बार बार कट ऑफ देखने से आपका नंबर तो बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है, नंबर नहीं बढ़ जाते। इसके अलावा आप लोग बार बार कट ऑफ देखने के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ जो कट ऑफ देखते हैं, वो ये है, सब ये चाहते हैं कि एक भी यूट्यूब चैनल पर वो कट ऑफ दिख जाए जो आपके नंबर हैं, ठीक है। यदि कोई ईमानदार जो टीचर है, यूट्यूबर है, वो सही कट ऑफ बताता है, थोड़े ज़्यादा बताता है, आप क्या करते हैं, उस पर गालियाँ बकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके जो नंबर हैं वही कट ऑफ होना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा है, अपने मन का कट ऑफ सब स्टूडेंट चाहते हैं, यानी कि वो उस चैनल को सर्च करते हैं, उस वीडियो को सर्च करते हैं जिसमें उनके मन का जितने उनके नंबर बताए हों उससे कम कट ऑफ बताया हो। बस जब तक वो कट ऑफ नहीं आता, हर YouTube चैनल को देखते हैं, बार बार देखते हैं। अब इससे आप अपना कितना लॉस कर रहे हैं ये आप नहीं समझ पा रहे। दोस्तों, यदि आप प्री पेपर देके आए हैं, मेंस की तैयारी करने वाले हैं, आप कट ऑफ के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ पर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यदि किसी ने ज़्यादा कट ऑफ बता दिया तो आपका दिमाग ख़राब करके आप लोग अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। यदि किसी ने कम कट ऑफ बता दिया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर पता नहीं पढ़ाई करते हैं या नहीं करते। ज़्यादातर यही है कि उसमें आप इस चीज़ में उलझ जाते हैं कि वो कट ऑफ ज़्यादा बता रहा था, ये कम, अब मेरा होगा या नहीं होगा, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। अब दोस्तों, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, आपको जो यहाँ पर करना है वो ये करना है कि कट ऑफ के चक्कर में ना पढ़कर आपको केवल प्री का यदि आप पेपर देके आए हैं और आपके नंबर आपके मन के हिसाब से लग रहा है कि ठीक है मेरे नंबर अच्छे आए हैं या नहीं भी आए, मेरा नहीं भी हो सकता सिलेक्शन, तो भी आप स्टेज टू या फिर जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। आपको केवल पढ़ना है, कट ऑफ नहीं देखना है। कट ऑफ देखने से ना तो आपके नंबर बढ़ते और केवल आपका यहाँ पर समय बर्बाद होता है, आप अपना दिमाग ख़राब करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, जो ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट होते हैं, वो भी कट ऑफ देखते हैं। वो ये देखते हैं कि यदि कोई भी यूट्यूबर ने कट ऑफ कम बताया है तो वो उसको गालियाँ बकते हैं कि नहीं, इतना कम कट ऑफ नहीं जा सकता, मेरे नंबर ज़्यादा आए, ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा। और जिसके कम हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे तुमने इतना ज़्यादा कट ऑफ बता दिया, कम कट ऑफ जाएगा मेरे, यानी कि अपने मन का नंबर और अपने मन का कट ऑफ। ज़्यादातर कट ऑफ वही स्टूडेंट देखते हैं, बार बार वीडियो वही स्टूडेंट देखते हैं कट ऑफ का, जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता। अगर अपने आप पे विश्वास नहीं है, आप कितना ही कट ऑफ देख लीजिए, आपके कितने ही ज़्यादा नंबर आएंगे, तो आप आगे के पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए और अच्छा स्कोर करना है, तो कट ऑफ बिल्कुल मत देखिए। जो भी आपका आगे का एग्ज़ाम है, भले स्टेज वन में आपके कितने ही कम नंबर आए हों, आपको स्टेज टू की तैयारी, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो RRB NTPC के कट ऑफ देख रहे हैं और
उनको केवल और केवल स्टेज टू की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फायदा आगे आने वाले पेपर में होगा। इसके अलावा जो पीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें मेंस की ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका इस बार नहीं भी होता है तो आप आगे जो नवंबर में पीएससी है उसमें अच्छा कर जाएंगे। तो स्टूडेंट, बिल्कुल कट ऑफ की बीमारी एक मानसिक बीमारी है, आप इस बीमारी में मत पड़िए। आप केवल और केवल जो है वो एक बार कट ऑफ देख लिया ठीक है, अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो यही मैं आपसे कहने वाला हूँ इस बीमारी को, इस अपने मन के कट ऑफ की बीमारी को, क्योंकि आपके मन का कट ऑफ कहीं नहीं मिलेगा। एक अच्छा जो यूट्यूबर है वो सच बताता है, आपको वो चीज़ें सच अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप लोग अपना मन और सामने वाले का कॉन्फिडेंस ही और खुद का कॉन्फिडेंस खराब करते हैं। तो भूल जाइए ये सब, अपनी प्रिपरेशन में लगिए, मन के कट ऑफ को छोड़िए, आगे तैयारी करेंगे, उसी में फ़ायदा है। कट ऑफ देखने से पेपर नहीं निकलता, पेपर पढ़ने से निकलता है। तो कट ऑफ देखना बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यही मेरी आप सबसे एक विनती है, क्योंकि आप बहुमूल्य समय जो है वो बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।